वेलकम बैक टू कश्मीरी लाइफस्टाइल कैसे हैं उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा आप ठीक ठाक हंसते मुस्कराते अपने घरों में रहें और जी जनाब मैं बना रही थी शेख यहाँ पे गर्मी का जोर तो कल से टूटा हुआ है काफ़ी शदीद गर्मी थी ये हुआ कि थोड़ी सी रात को बारिश हुई तो उस जो है ना गर्मी का दिन को जो है ना थोड़ा सा लेवल टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया तो फिर भी दिल कर रहा था कोई मीठा ठंडा पीने का और एक गेस्ट भी बाहर आया हुआ था तो मैंने सोचा तो चलो जी वैसे भी मिल्क शेक बनाना था तो अभी बना लेते हैं और गेस्ट जो आए हुए हैं उनको भी सर्व करते हैं तो यह मैं बना रही थी शेक और बना रही हूँ जनाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बनाना और मैंगोज़ मैंगो आज बहुत ही यमी आए हुए हैं और इतनी वैराइटी में आए हुए हैं हर वैरायटी का अलग अलग टेस्ट है बहुत मज़े के लेकिन ये इतनी शदीद गर्मी थी ना कि इतने एक आम भी खा लो ना एक भी अगर तो आपको फ़ील होने लगता है कि आपको जो है ना वो गरम गरम सा लगता है आपको फेस पे पिंपल आ जाता है या इस तरह से ना गर्मी बहुत शदीद लगती है बहुत गर्म होती है इसलिए अच्छा था कि चलो शेक वगैरह बना लें या जूस बना लें तो मैं यहाँ पे शेक बनाने लगी थी और इसमें मैंने चीनी ज़्यादा नहीं ऐड की थोड़ी ऐड की क्योंकि जो है ना जिन गेस्ट को देनी थी और जो अम्मी को भी देना था तो इसमें जो शुगर कम डालनी थी शुगर वाले मरीज़ थे पहले ही तो आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल क्या बना रहे हैं और इसके बाद जी मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है जो जो चैनल पे न्यू है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और जी आगे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में फॉरवर्ड किया करें मेरी वीडियोस देन आपने ये वीडियो लाजमी एंड तक वॉच करनी है एंड में जाकर मैं अपने सूट की कटिंग दिखाऊंगी फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा वो सूट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा डिज़ाइन भी शो करूँगी आज मैं सेंटर भी जाऊँगी और वहाँ पर जो ना जाके अपना एक डिज़ाइन कटिंग करनी है सिलाई सेंटर है जो वहाँ पे जाओगी जिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ कि सिलाई सेंटर जो मैं कभी तकरीबन ए वीक में एक या दो दफ़ा लाजमी जाती हूँ वहाँ से कोई ना कोई डिज़ाइन जो है ना बनवाने के लिए तो या देखने के लिए या कुछ करने के लिए यहाँ मेरा बन रहा है जी शेक बिल्कुल रेडी हो गया है ये देखिए मैंगो थोड़े से लाइट कलर के थे और वैसे मैंगो मैंने कम ऐड किया बनाना ज़्यादा ऐड किया क्योंकि जो है ना वो वही बताया था आपको गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत शदीद गर्मी है इतनी शदीद गर्मी है कि जो काम काज करने वाले लोग हैं उनमें से कितने लोग इस शदीद गर्मी से मर रहे हैं जो बाहर धूप में काम करते हैं मजदूरी करते हैं अल्लाह पाक सबको जन्नत दे और सबके लिए बेहतरी करे और मौसम जो है ना गर्मी का अल्लाह पाक अपनी जो है ना रहमत की बारिश नाजिल करे आमीन और यहाँ शेक तैयार हो गया अब मैं सर्व कर रही हूँ सर्व करने के बाद आपको दिखाऊंगी आगे मैंने क्या करना है क्योंकि ये सुबह का टाइम है सुबह का टाइम तकरीबन नौ दस बजे का टाइम है और इसके बाद जो है ना काफ़ी सारा काम होता है कुकिंग वगैरह का तो वो हम देखेंगे क्या बना रहे हैं आज और किस तरह से बना रहे हैं और अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी होती है या कोई समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में बता दिया करें क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी जी भिंडियाँ बना रही थी मसालेदार भिंडियाँ उसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हम इस तरह से नहीं बनाते जिस तरह मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये मैंने फ्राई की है बिल्कुल लाइट सी फ्राई की है ज़्यादा फ्राई नहीं की क्योंकि ज़्यादा फ्राई करो तो बिल्कुल ही ना वो वो ऐसे सूखी सूखी सी हो जाती है और यहाँ मैंने मसाला भी अच्छी तरह से बनाया है अलग से भुना है और यहाँ पर मैंने भिनिया लाइट सी फ्राई की हुई थी ऑलरेडी पहले ही तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिए और इस तरह के चमचे की मदद मतलब से आहिस्ता आहिस्ता हमने हिलाना है कि टूटे बिना और ये मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अगर किसी को समझ नहीं आई बिनिया बनाने का तरीका उन्होंने सीखना है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं समझ होती इसको कैसे बनाते हैं फ्राई करने का उन्हें नहीं पता होता तो वो उसमें जो है ना इसमें जो एक अजीब सी लेसदार सी होती हैं तो वो चीज़ खत्म नहीं होती अगर फ्राई ना करो तो फिर अगर वो इसमें लेस लेस सी आए ना तो खाने वाले खाते नहीं है छोड़ देते हैं अगर फ्राई कर लो तो बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से हम बनाते हैं और इसमें टमाटर भी काफ़ी सारे ऐड करते हैं तो इस तरह से मैंने बनाई थी इसके बाद मैं सेंटर आ गई हूँ यहाँ पे देखे जो है ना हमारे सेंटर वाले टीचर हैं जो पहले किसी का प्लेट्स वाला डिज़ाइन बना रही है जो आजकल काफ़ी है मैंने भी आपको दिखाया था तकरीबन एक मंथ पहले कि मैंने भी वो स्टिच किया था तकरीबन उसी जैसा ही है तो ये डिज़ाइन प्लेट्स का इसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए पहले आपको सारी ऊपर से ना ड्रा करना पड़ता है लाइनिंग वगैरह सब कुछ ये देखें एक साइड से लाइनिंग एक साइड से ये पेंटक्स इसने बना दी है। और दूसरी साइड से इन्होंने ये पेंसिल की मदद से निशान लगाए और ऊपर इन्होंने डिज़ाइनिंग पे ये वाली लेस लगा है मैंने वाइट लगाई थी और ये मैरून लगा रहे हैं और इसके बाद मैं कटिंग करवाऊँगी एक कुर्ता उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी है लेकिन कटिंग करवाऊँगी तो थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी लेकिन जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब आपको समझ आएगी मैं आपको पूरा स्टिच करने के बाद उसकी डिजाइनिंग भी दिखाऊंगी और ये किसी और लड़की का है जो यहाँ पर सीखने के लिए आ रही थी तो अभी मुझे मिला ये सूट उसका रेडी हुआ तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी अदरवाइज जो है ना मेरा ही देख लीजिएगा ये देखिए ये वाला जो है मैं लेके आई हूँ और ये मैंने बनाना है एक स्टाइल डिफरेंट टाइप का तो इसलिए मैं अपनी टीचर से मशवरा कर रही थी कैसे बनाएँ तो वो बता रही थी कि इनके दरमियान का जो पीस है ना इसमें एक ये वाला पीस लगना है लेकिन इस पर यह था मैं कह रही थी कि इसके फूल जो है ना टेढ़े आ रहे हैं तो ये दरमिया में फूल दोबारा हमने मैनेज करने तो इसमें डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए और फूल भी सीधे आने चाहिए और यही हम बातें कर रही थी तो फिर हमने सोचा कि इस तरह से आएगा ये देखिए हमने पीस बनाए और एक स्टेप बाई स्टेप हमने रखना फोर पीस बनेगी और इसकी लेंथ कमीज़ की कम्प्लीट हो जाएगी फोर पीस इस तरह से और मिडल में लाए जाएँगे और साइडों पे ना साइडों पे वो इसकी जो कलियाँ आती है ना कुर्ते वाली शेप में वो वाली आएँगी और मिडल में जो डिजाइनिंग आएगी वो मैं आपको दिखाऊँगी स्टिच करने के बाद क्योंकि आपको उससे समझ नहीं आएगी तो चलें जी जिस चीज़ ने ब्लॉग एंड तक वॉच किया है वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक ऐसे लाजमी कर दिएगा कमेंट अगर नहीं भी करना आता किसी को तो कोई बात नहीं है तो ये जनाब अब हम करते हैं अपना व्लॉग एंड और मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आपने हमारे साथ ही रहना है दो में याद रखना है और इसी तरह मेरे व्लॉग्स वॉच करते रहा करें और बताया करें कि कैसा लगा है व्लॉग, इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए मैं तो कोशिश करती हूँ अपने से कि अच्छे से अच्छा व्लॉग एडिट करूँ और प्या जो है इसमें कोई न्यू चीज़ भी ऐड किया करूँ तो ईद आने वाली है इसलिए रेसिपीज और दूसरी चीज़ है जो ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है ना वो भी मेरी कोशिश होती है ये दो चीज़ें जो है ना आपको मैं ज़रूर इसमें आ, कुछ ना कुछ आइडिया दे दिया ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और यहाँ हमारे मिडिल पीस रेडी हो चुके हैं और हमने अब कटिंग यहाँ पर कर लिया है दो बंदे अगर मशवरा करके कुछ भी काम करो तो उसमें बंदे को जो है ना वो आसानी रहती है कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती और हमें कोई अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाता है दो दिमाग जब आपस में मिल के कोई प्लानिंग करते हैं तो आपको मैं बाद में डिज़ाइन दिखाऊँगा बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग डिज़ाइन बनेगा और आपको मैं जब ये सिलाई कर लूँगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये लाजमी दिखाऊंगी तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त दो में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह मेरे ब्लॉग वॉच करते रहिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने बाद फ़ी एमान ला